और बाप रे, ये देखा आपने कैसे बाइट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूँ न्यूडुंगे गांव। ये पाथरडी तालुका अहमदनगर जिला के अंतर्गत है। तो यहाँ पर कोकने फैमिली रहती है। तो उनके घर के सामने ही एक कुआ है। तो उन्होंने इसमें सांप देखा और मनीष मरकड़ इनको कॉल किया, इन्होंने मुझे कॉल किया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ मेरी टीम के साथ। मेरे साथ ऋषिकेश परदेसी है, अक्रम भाई है, और नीलेश मरकड़ है, मनीष मरकड़ है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ये सांप जो है नीचे आप देख सकते हैं, एक अजगर सांप है। तो इसको हम रेस्क्यू करेंगे। तुम्ही दो धनी तांबा। ओके, उतरो, सोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ धीरे धीरे छोड़ो, आराम से। बस थोड़ा मोकड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर कुएं में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं केचुली है सांप का। ये देखिए, यानी इस कुएं में सांप गिरते होंगे पहले से ही। आज एक अजगर सांप गिरा हुआ है। ये सूखा कुआ है, इसमें पानी नहीं है क्योंकि ये कुआ गहरा नहीं है, इसलिए पानी नहीं है। ये अगर गहरा होता तो इसमें पानी होता। तो दोस्तों, ये अजगर सांप आप देख सकते हैं यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। वैसे तो ये सांप कभी काटता नहीं, सांप कोई भी हो जबरन कभी काटता नहीं। जब इसको खतरा महसूस होगा तभी ये सांप काटेगा। दोस्तों, अजगर सांप जो है बिना जहर वाला होता है, लेकिन ये काटता बहुत जोर का है। इसी के जैसा दिखने वाला एक रसल स्वाइपर स्नेक है। मैं स्क्रीन पर उसका फोटो दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देने वाला ये सांप अजगर है और स्क्रीन पर मैंने जो फोटो दिखाया है वो रसल स्वाइपर है। रसल स्वाइपर जहरीला होता है। रसल स्वाइपर यानी हिंदी में चित्ती कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में उसे घोनस नाम से जानते हैं। वो जहरीला होता है और ये अजगर सांप जो है बिना जहर वाला होता है। चित्ती सांप यानी रसल स्वाइपर सांप के शरीर पर गोलाकार हल्के से काले कलर में ऐसे गोलाकार ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन अजगर सांप के शरीर पर आप देख सकते हैं, आप देखिए चॉकलेटी कलर में हल्के से पीले कलर में ऐसी नक्शियाँ है, फैली हुई नक्शियाँ है, गोलाकार नहीं है, फैली हुई दिखाई देंगी। और अजगर सांप का मुंह देख सकते हैं आप, छोटा है और लंबा है, देखिए, और हल्का सा ये लाल पीला दिखाई देता है, हल्का सा लाल पीला, आंखें बड़ी होती है, ये देखिए। और काटता बहुत जोर का ये सांप, कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करना, बिना जहर वाला भी हो तो पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करना। ये मांसाहारी है ये सांप। जब छोटे होते तो बड़े बड़े पंछी खाते हैं, छोटे मोटे जानवर जो है ये साइज़ के हिसाब से खाते हैं। मतलब अभी ये सांप आपको इतना दिखाई दे रहा है तो इतनी मोटाई देख सकते हैं आप, इसकी मोटाई कितनी है। इसकी मोटाई से ये 2-3 गुना निगल सकता है आराम से कोई भी जानवर या पंछी, ठीक है। आपने देखा था ये, मैं जैसे इसको मैंने टच किया तो ये भागने की फिराक में आया और ये फुंकारने लगा। ये देखिए, अभी ये काटेगा भी, तो ये देख सकते हैं आप, इसने जूते पर बाइट किया। ऐसे ही मेरा हाथ होता तो ये हाथ को भी बाइट कर लेता। ये देखा आपने कैसे बाइट कर रहा है। जैसे मैं हाथ लेके जा रहा हूँ तो हाथ पर वो बाइट कर रहा है। देखे जाए तो ये सांप, ये अजगर सांप आप देख सकते हैं छोटा है, लेकिन इसका बाइट जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ये घाव दे देगा। ये देखिए कैसे काट रहा है। और ऐसे सांप जो कुएं में गिर जाते हैं, इनको पकड़ना, इनको बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर इनको हम बाहर नहीं निकालेंगे, इनको शिकार के लिए, इनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, और धीरे धीरे 1-2 महीने में ये भी खोकर ऐसे ही कुएं में मर जाते हैं।
और बारिश के मौसम में ये सांप ज़्यादा निकलते हैं, सर्दी के मौसम में ये सांप ज़्यादा निकलते हैं, अजगर सांप। जैसी बारिश हुई शुरू हुई ये सांप निकल गया और शिकार करने की फिराक में या फिर चलते चलते ये अंदर गिर गया होगा, लेकिन इसको कुछ घाव नहीं हुआ है, अच्छा तंदुरुस्त है ये। बैग डालो जी। और बाप रे, हाँ बांधो मैं बरो। तो दोस्तों आपने देखा अजगर सांप रेस्क्यू किया था, यहाँ पर मैं इस पर्यावरण में सांप को रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ये फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सांप को मैंने रिलीज़ किया, अजगर के बारे में मैंने जानकारी दी और इसके साथ ही साथ रसल स्वाइपर सांप के बारे में भी मैंने जानकारी दी। और ये अजगर सांप यहाँ पर मैंने इस फॉरेस्ट में रिलीज़ किया है, ये अभी सांप आज़ाद है।